नमस्कार दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये न्यूज़ मिल गया होगा कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 का एक अपग्रेड वर्जन होने वाला है। लेकिन कौन से स्मार्टफोन में सबसे पहले आएगा, क्या वो चाइनीज होगा या फिर सैमसंग होगा, इसका स्पेसिफिकेशन क्या होगा, एंड्रॉइड क्या होगा, ये सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ मैं कह देता हूँ, ये वीडियो मैं ज़बरदस्ती 10 मिनट 12 मिनट नहीं करूँगा। इस छोटे से वीडियो के अंदर आपको अभी तक स्नैपड्रैगन 888 प्रो के बारे में जो जी इन्फॉर्मेशन मिला है सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त का। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसी वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल का सबसे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहले तो हम बात करेंगे जो स्नैपड्रैगन 888 प्रो वाला एडिशन एक कब लॉन्च होने वाला है। कहा जा रहा है कि अगले 2 महीने के अंदर ये वाला प्रोसेसर लॉन्च होने वाला है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि कुछ चाइनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरर जो कि ऑलरेडी इस स्नैपड्रैगन 888 प्रो के ऊपर काम कर रहा है। अब देखिए, कोई स्मार्टफोन कंपनी अगर इस प्रोसेसर के ऊपर काम कर रहा है मतलब मैक्सिमम अगले 2 महीने के अंदर ही लॉन्च हो जाएगा, मतलब जून महीने के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 888 प्रो या फिर प्लस जरूर मिलेगा। अगर इसके कोर आर्किटेक्चर की बारे में बात करें, ऑब्वियसली ऑक्टाकोर प्रोसेसर होगा, लेकिन इस बार भी आपको 1+3+4 आर्किटेक्चर होगा, मतलब एक कोर्टेक्स X1 कोर, 3 कोर्टेक्स A78 कोर और 4 कोर्टेक्स A55 कोर। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि 2 कोर्टेक्स X1 होगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब अभी के लिए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा कोर्टेक्स X1 कोर होगा तो प्रोसेसर और भी ज़्यादा ओवरहीट होगा और प्रोसेसर 100% जल जाएगा। और वैसे आपने जरूर रिसेंटली कुछ न्यूज़ में ये भी पढ़ा होगा कि शायद मी 11 के कुछ डिवाइस के जो मदरबोर्ड वो जल गया है, क्योंकि जो प्रोसेसर वो इतना ज्यादा गर्म हो गया था। तो इसका मतलब स्नैपड्रैगन 888 में गारंटीड आपको हीटिंग इशू देखने को मिलेगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो स्नैपड्रैगन 888 प्रो वाला एडिशन लॉन्च होगा इसमें हीटिंग इशू को थोड़ा मैनेज किया जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे जो स्नैपड्रैगन 888 प्रो आने वाला है इसका स्पीड क्या होगा। अब देखिए, जब कोर्टेक्स X1 मार्केट पे लॉन्च हुआ था तब मैंने आपको न्यूज देख के बताया था कि कोर्टेक्स X1 का मैक्सिमम स्पीड है 3.3 GHz, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो स्नैपड्रैगन 888 लॉन्च हुआ है इसका मैक्सिमम स्पीड है 2.8 GHz। तो मतलब ये दरअसल स्नैपड्रैगन 888 प्रो का एक लोअर एडिशन है। जो हायर एडिशन दो टाइप का आएगा, जो मोबाइल वाला स्नैपड्रैगन 888 प्रो उसका स्पीड होगा 3.1 GHz, और एक टैबलेट वाला स्नैपड्रैगन 888 प्रो आएगा उसका स्पीड होगा 3.3 GHz। और इधर मैं आपको एक चीज कह देता हूँ, ये कॉन्फर्म नहीं है लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो अपकमिंग सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 3 मतलब जो थर्ड एडिशन आने वाला है उसमें ही दुनिया का सबसे पहला ये जो स्नैपड्रैगन 888 प्रो ये प्रोसेसर हमें देखने को मिलेगा। अगर मैं इसको बाकी के फीचर के बारे में बात करें, जैसे कि कैमरा एग्जैक्टली सेम होगा, जो ISP वो भी एग्जैक्टली सेम होगा, ग्राफिक्स कार्ड इस बार इस्तेमाल हुआ है 850 MHz GPU, मेरे ख्याल से नेक्स्ट बार मतलब प्रो वाले एडिशन पे आपको मिलेगा 900 MHz GPU, वरना दोनों में और कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। स्नैपड्रैगन 865 प्लस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, जो प्रोसेसर स्पीड मतलब जो CPU स्पीड उसमें थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है स्पीड को, जो ग्राफिक्स कार्ड उसमें थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है, और वरना बाकी दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। इस बार भी बिल्कुल सेम होगा, स्नैपड्रैगन 888 में आपको जो भी फीचर देखने को मिलता है 888 प्रो में आपको एक्जैक्टली सेम स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा। और जैसे कि मैंने आपको कहा, मोबाइल वाले एडिशन के लिए आपको मिलेगा 3.1 GHz, टैबलेट वाले एडिशन के लिए आपको मिलेगा 3.3 GHz, और जो ग्राफिक्स कार्ड मेरे ख्याल से उसका स्पीड 900 MHz से थोड़ा सा ज्यादा होगा, वरना CPU आर्किटेक्चर मैक्सिमम कैमरा सपोर्ट मैक्सिमम डिस्प्ले सपोर्ट मैक्सिमम रिफ्रेशर सपोर्ट इसमें कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। और हाँ, अभी एक चीज मुझे याद आया, आपने देखा है कि रिसेंटली जो डायमेंसिटी 1200 लॉन्च हुआ है उसका जो रिफ्रेश रेट वो मैक्सिमम सपोर्ट करता है 165 Hz तक का। तो हो सकता है मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि ये जो स्नैपड्रैगन 888 प्रो आने वाला है, क्योंकि इसका CPU पावरफुल होगा, इसका ग्राफिक्स कार्ड भी थोड़ा सा पावरफुल होगा, तो शायद इसमें हमें 165 Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखने को जरूर मिलेगा। और अगर इसके एंटूटू स्कोर की बारे में बात करें, जितना मुझे लग रहा है अगर एंटूटू वर्जन 9 में इस प्रोसेसर को बेंचमार्क किया जाएगा तो हो सकता है कि 950,000 से भी ज्यादा इसका स्कोर आएगा। तो अभी तक स्नैपड्रैगन 888 प्रो के बारे में टोटल यही सारी इन्फॉर्मेशन मिला। वैसे वीडियो के आखिर में मैं आपको फिर से एक बार कह देता हूँ, सबसे पहला जो डिवाइस है क्या कहा जा रही है कि वो गैलेक्सी Z Fold 3 आएगा, उसके बाद बहुत सारे चाइनीज कंपनी ये स्नैपड्रैगन 888 प्रो के साथ स्मार्टफोन लॉन्च करेगा, और उसमें से पहला कंपनी होगा Xiaomi, क्योंकि Xiaomi इस साल 2 से 3 अलग अलग फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला, और हर एक में आपको स्नैपड्रैगन 888 प्लस मिल सकता है। और क्योंकि Xiaomi लॉन्च करेगा तो ओप्पो वीवो रियलमी सभी के सभी कंपनी यूज करेगा, और जब ये प्रो वाला एडिशन आएगा तो हो सकता है कि वन प्लस का जो नया जनरेशन आएगा उसमें भी हमें ये प्रोसेसर दिख सकता है। तो आज का वीडियो तक स्नैपड्रैगन 888 प्रो के बारे में टोटल यही सारी इन्फॉर्मेशन अभी तक मिला है। वैसे आपको इसके बारे में क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, इधर आपको एक चीज कह देता हूँ, इस वाली वीडियो पे एक छोटा सा गिव अवे चल रहा है कि अगर आप इस वीडियो में 50 लाइक कंप्लीट कर देंगे तो मैं आप में से किसी एक विनर को हॉटस्टार VIP का जो पैक है वो मैं गिव अवे करूंगा, उसके साथ 90 GB डेटा भी दूंगा। तो मिलता अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।